दोस्तों अगर कोई ग्राहक एक साल तक अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं करता है तो उसका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। अगर दो साल तक अपने बैंक अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करता है क्रेडिट डेबिट की तो उसका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। एक ग्राहक अगर 10 साल तक बैंक नहीं जाता है अपने उस अकाउंट को डोरमेंट से एक्टिव कराने के लिए तो बैंक उस ग्राहक के खाते में पड़े बैलेंस को RBI के डेट फंड में ट्रांसफर कर देता है। दोस्तों बात करते हैं डेप फंड की। दोस्तों डेप फंड का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। इस स्कीम के तहत बैंक 10 साल या उससे ज्यादा समय से ऑपरेट नहीं किए गए तभी बैंक अकाउंट में मौजूद क्यूमुलेटिव बैलेंस को उसके ब्याज के साथ गणना करके उस अमाउंट को RBI के डेट फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। दोस्तों बैंकों में पड़े अनक्लेम डिपॉजिट की बात है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन और इसी एक्ट के सेक्शन 26A के इंसर्शन के अनुरूप RBI ने डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड 2014 में बनाया। अगर डेट फंड में ट्रांसफर हो चुके अनक्लेम डिपॉजिट का कस्टमर वापस आ जाता है तो बैंक उस अमाउंट को RBI से वापस मंगाता है, RBI से क्लेम करता है और उस ग्राहक को उसके अकाउंट में पड़े हुए बैलेंस का भुगतान कर दिया जाता है। दोस्तों और जानकारी के लिए मैं आगे डेट फंड पे एक डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।